पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान दक्षिण एशिया में एक देश है। यह दुनिया का पांचवा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 225.2 मिलियन से अधिक है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर 3,40,509 वर्ग मील में फैले क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान 33वां सबसे बड़ा देश है। इसकी दक्षिण में अरब सागर और ओमान की खाड़ी के साथ 1,046 किलोमीटर 650 मील की तटरेखा है और इसकी सीमा पूर्व में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण पश्चिम में ईरान और उत्तर पूर्व में चीन से लगती है। यह उत्तर में अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर द्वारा ताजिकिस्तान से अलग हो गया है और ओमान के साथ एक समुद्री सीमा भी साझा करता है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम इस्लामाबाद और सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान में क्षेत्रीय भाषाएं पंजाबी 39% हैं, पश्तो 18%, दाइश सिंधी 15%, दाइश सरायकी 12%, दाइश बलूची 3%, दाइश हिंदको 2%, दाइश पोठवारी 1%, दाइश ब्राहुई 1%, दाइश कश्मीरी 0.17%। पाकिस्तान में जातीय समूह हैं 44.7%, पंजाबी 15.4%, पश्तून 14.1%, सिंधी 8.4%, सरायकी 7.6%, मुहाजिर 3.6%, बलूच 6.3%, अन्य धर्म अनुसार 2020 96.47%, इस्लाम आधिकारिक 2.14%, हिंदू धर्म 1.27%, ईसाई धर्म 0.9%, अहमदिया 0.02%। 2021 में क्रय शक्ति समता के अनुसार जीडीपी अनुमान कुल दुनिया में 1.110 ट्रिलियन डॉलर 26वां बढ़ाएं प्रति व्यक्ति दुनिया में 5,839 डॉलर 139वां बढ़ा। 2021 में जीडीपी नामात्र का अनुमान कुल दुनिया में 296 अरब डॉलर 43वां प्रति व्यक्ति आय 1,543 डॉलर दुनिया में 159वां। पाकिस्तान में मुद्रा का उपयोग पाकिस्तानी रुपया है। इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान इकलौता देश। पाकिस्तान कई प्राचीन संस्कृतियों का स्थल है, जिसमें बलूचिस्तान में मेहरगढ़ का 8,500 साल पुराना नवपाषाण स्थल और कांस्य युग की सिंधु घाटी सभ्यता शामिल है, जो पुरानी दुनिया की सभ्यताओं में सबसे व्यापक है। वह क्षेत्र जिसमें पाकिस्तान का आधुनिक राज्य शामिल है, अचमेनिद सहित कई साम्राज्यों और राजवंशों का क्षेत्र था। संक्षेप में, सिकंदर महान का, सेल्यूसिड, मौर्य, कुषाण, गुप्त, उमैयद खलीफा अपने दक्षिणी क्षेत्रों में, हिंदू शाही, गजनवीद, दिल्ली सल्तनत, मुगल, दुरानी, सिख साम्राज्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन और सबसे हाल ही में 1858 से 1947 तक ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य। पाकिस्तान एक मध्यम शक्ति है और उसके पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। यह एक घोषित परमाणु हथियार राज्य है और एक बड़े और तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ उभरती और विकास अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य विकास के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की अवधियों की विशेषता रही है। यह समान रूप से विविध भूगोल और वन्य जीवन के साथ एक जातीय और भाषाई रूप से विविध देश है। हालांकि देश को गरीबी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद सहित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन, इस्लामी सहयोग संगठन, राष्ट्रमंडल राष्ट्र, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ का सदस्य है, इस्लामी सैन्य आतंकवाद विरोधी गठबंधन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया गया है। पाकिस्तान चीन के जिनवादी गणराज्य के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था और 1962 में भारत के साथ चीन के युद्ध के बाद से यह संबंध मजबूत बना हुआ है। 1960 से 1980 के दशक तक पाकिस्तान ने चीन तक पहुंचने में चीन की बहुत मदद की। दुनिया के प्रमुख देशों के लिए और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन की राजकीय यात्रा को सुविधाजनक बनाने में मदद की। पाकिस्तान में सरकारों के परिवर्तन और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति में उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान में चीन की नीति हर समय एक प्रमुख कारक बनी हुई है। बदले में चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और आर्थिक सहयोग फला फूला है। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के विस्तार जैसे ग्वादर में पाकिस्तानी गहरे पानी के बंदरगाह में पर्याप्त चीनी निवेश के साथ मैत्रीपूर्ण
चीन पाकिस्तान संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए, क्योंकि दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 2015 में 51 समझौतों और समझौता ज्ञापनों MOU पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने 2000 के दशक में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के लिए चीन के संचार सेतु के रूप में काम करना जारी रखता है। 2016 में चीन ने घोषणा की कि वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी गठबंधन स्थापित करेगा। कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे उत्तरी बिंदु पर स्थित एक हिमालयी क्षेत्र एक स्वायत्त रियासत के रूप में शासित था, जिसे अगस्त 1947 में भारत के विभाजन से पहले ब्रिटिश राज में जम्मू और कश्मीर के रूप में जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद विभाजन यह क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्रीय विवाद का विषय बन गया, जिसने उनके द्विपक्षीय संबंधों में बाधा उत्पन्न की। दोनों राज्यों ने 1947 से 1948 और 1965 में इस क्षेत्र में दो बड़े पैमाने पर युद्धों में एक दूसरे को शामिल किया है। भारत और पाकिस्तान ने 1984 और 1999 में इस क्षेत्र पर छोटे पैमाने पर लंबे संघर्ष भी लड़े हैं। कश्मीर क्षेत्र का लगभग 45.1% भारत द्वारा नियंत्रित है, प्रशासनिक रूप से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित, जो पूरे क्षेत्र का भी दावा करता है। जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत जो इसके नियंत्रण में नहीं है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर भारत के नियंत्रण के साथ साथ शेष क्षेत्र पर इसके दावे का भी इसी तरह पाकिस्तान द्वारा विरोध किया गया है, जो लगभग 38.2% क्षेत्र प्रशासनिक रूप से को नियंत्रित करता है। आजाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में विभाजित और भारतीय नियंत्रण के तहत सभी क्षेत्रों का दावा करता है। इसके अतिरिक्त 1962 के चीन भारतीय युद्ध और 1963 के चीन पाकिस्तान समझौते के बाद से लगभग 20% क्षेत्र को चीन अक्साई चीन और शक्सगाम घाटी के रूप में जाना जाता है द्वारा नियंत्रित किया गया है। कश्मीर के चीनी नियंत्रित क्षेत्र इसके अधीन है, एक भारतीय क्षेत्रीय दावा, लेकिन पाकिस्तान द्वारा दावा नहीं किया जाता है। पाकिस्तान के सशस्त्र बल पूर्णकालिक सेवा में संख्या के मामले में दुनिया में छठे सबसे बड़े हैं। सक्रिय ड्यूटी पर लगभग 651,800 कर्मियों और अर्ध सैनिक बलों के 291,000 कर्मियों के साथ 2021 में अस्थायी अनुमान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की और चीन घनिष्ठ सैन्य संबंध बनाए रखते हैं और नियमित रूप से पाकिस्तान को सैन्य उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण निर्यात करते हैं। संयुक्त रसद और प्रमुख युद्ध के खेल कभी कभी चीन और तुर्की की सेनाओं द्वारा किए जाते हैं। सैन्य मसौदे के लिए दार्शनिक आधार संविधान द्वारा आपातकाल के समय में पेश किया गया है, लेकिन इसे कभी भी लागू नहीं किया गया है। अफगानिस्तान में उनकी भागीदारी में पड़ोसी USSR के साथ बढ़ते तनाव, पाकिस्तानी खुफिया समुदाय ज्यादातर ISI ने इस क्षेत्र में सोवियत संघ की उपस्थिति के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन और विदेशी लड़ाकों को अमेरिकी संसाधनों का व्यवस्थित रूप से समन्वय किया। सैन्य रिपोर्टों ने संकेत दिया कि PAF सोवियत वायुसेना के साथ जुड़ाव में था। संघर्ष के दौरान अफगान वायुसेना द्वारा समर्थित, जिनमें से एक अलेक्जेंडर रुत्सकोया का था, अपने स्वयं के संघर्षों के अलावा पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सक्रिय भागीदार रहा है। 1993 में ऑपरेशन गॉथिक सरपेंट में मोगाडिशु सोमालिया से फंसे अमेरिकी सैनिकों को बचाने में इसने प्रमुख भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इथियोपिया और भारत के बाद पाकिस्तानी सेना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता है। पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम परमाणु शक्ति है। पाकिस्तान ने कुछ अरब देशों में अपनी सेना तैनात की है। रक्षा, प्रशिक्षण और सलाहकार भूमिकाएं निभा रहा है। PAF और नौसेना के लड़ाकू पायलटों ने 6 दिवसीय युद्ध 1967 और योम किप्पुर में इजरायल के खिलाफ स्वेच्छा से अरब देशों की सेनाओं में सेवा की है। युद्ध 1973 6 दिवसीय युद्ध में पाकिस्तान के लड़ाकू पायलटों ने 10 इजरायली विमानों को मार गिराया। 1973 के युद्ध में 5 पायलटों में से एक FLT लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी मिगी-21 को उड़ाते हुए ने एक इजरायली वायुसेना मिराज को मार गिराया और सीरियाई सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। पाकिस्तान का अपना JF-17 थंडर फिगर मल्टी रोल जेट है। JF-17 विभिन्न आयुधों को तैनात कर सकता है, जिसमें हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं, जिनमें जहाज रोधी मिसाइलें और 23mm GSH-23 से 2 ट्विन शामिल हैं। बैरल ऑटो कैनन गुइझो WS-13 या क्लिमोव RD-93 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन द्वारा संचालित, इसकी अधिकतम गति मच
1.6 और हवाई रक्षा के लिए अमेरिकी निर्मित F-16 भी F-16 एक एकल इंजन अत्यधिक पैंतरेबाजी सुपरसोनिक बहुभूमिका सामरिक लड़ाकू विमान है। यह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बहुत छोटा और हल्का है, लेकिन उन्नत वायुयुद्ध की और एवियोनिक्स का उपयोग करता है। पाकिस्तान के पास एक मजबूत नौसेना भी है जिसमें बहुत सारे नौसेना के हथियार हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। PLZ देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।